सिक्किम में लहोनक झील में बादल फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आने से सेना के 23 जवान लापता हो गए। कई इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन सवाल उठता है कहां गए ये 23 जवान। सिक्किम में लहोनक झील में मंगलवार को देर रात बादल फटा, भारी तबाही हुई। बादल फटने से लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सड़क, बांध, पुल सबको नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण घाटी में सेना के कुछ कैंप और गाड़ियां प्रभावित हुई और 23 जवानों के लापता होने की खबर है। देर रात करीब 1:30 बजे बादल फटने से तिस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद चुंगथांग बांध से पानी छोड़ दिया गया। पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में पानी का लेवल 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सिंगतम के पास बारदांग में खड़ी सेना की गाड़ियां डूब गई। इन गाड़ियों में जवान थे। गुवाहाटी के डिफेंस पीआरओ का कहना है कि सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर है। 41 वाहन डूब गए हैं। बंगाल को सिक्किम से जोड़ने वाला NH-10 का भी पूरा हिस्सा, या फिर यूं कह लें कि आधे से ज्यादा हिस्सा, पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में बह गया। अधिकारियों के मुताबिक तिस्ता नदी में जलस्तर अचानक बढ़ने से सिक्किम के कई इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदी के किनारे निचले इलाकों को खाली कराया गया, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दरअसल भारतीय सेना ने एक बयान में कहा, उत्तरी सिक्किम में लहोनक झील पर अचानक बादल फटने के कारण लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए और विवरण की पुष्टि करने के प्रयास जारी हैं। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जलस्तर अचानक बढ़ गया। 23 कर्मियों के लापता होने की सूचना है और कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबे होने की खबर है। तलाशी अभियान चल रही है। गैंगटोक में भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी कहते हैं, जब किसी छोटे क्षेत्र में लगभग 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।